The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, एक बहुत दुखद खबर आ रही है विशाखापट्टनम इंडिया से कि वहां पर एलजी पॉलीमर्स के केमिकल प्लांट से स्टायरीन नाम की एक गैस लीक हो गई है, जो कि आज सुबह 7/5/2020 को सुबह 3:30-4 बजे लीक हुई और वहां के 2.5 किलोमीटर के एरिया में उस प्लांट के काफ़ी सारे लोग, 1,000 से 5,000 लोग तक लोग बहुत गहरा तरीके से बीमार हुए हैं और 10 से ज़्यादा लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी है। सो ये स्टायरीन गैस क्या है, ये कैसे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इस बारे में हम बात करेंगे और जो लोग वहां पर इससे पीड़ित हैं उनको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या और इससे बच कैसे सकते हैं, और जो हो चुका उसके लिए हमारे तरफ से जिनको नुकसान हुआ है उनके लिए हमारे तरफ से श्रद्धांजलि। दोस्तों, आइए कोशिश करते हैं एजुकेट करने की लोगों को, हेल्थ एजुकेशन ऑन स्टायरीन। स्टायरीन क्या है? स्टायरीन एक बेसिकली पॉलीइथिलीन भी कहते हैं इसको, इथाइल बेंजीन भी कहते हैं, विनाइल बेंजीन भी कहते हैं। अगर आपने हमारा बेंजीन वाला वीडियो देखा है तो आप समझते हैं कि बेंजीन अपने आप में एक पॉइजनस गैस है, एक केमिकल है जो कार्सिनोजन है, जिससे कैंसर हो सकता है। वैसे ही एक स्टायरीन भी है जिसका जो एक केमिकल है, ये बेंजीन से ही डिराइव होता है और ये एक कलरलेस लिक्विड है जो थोड़ा येलोइश कलर का हो सकता है और आराम से ये इवेपोरेट हो जाता है, हवा में चला जाता है। अब ये जो है इसका एक स्वीट सा मीठा मीठा सा स्मेल होता है, तो इस चीज़ से आप पहचान सकते हो, अगर आपको मीठा मीठा स्मेल आ रहा है तो ये आपके आसपास है। अगर कोई विशाखापट्टनम के आसपास रह रहा है तो आपको वहां से जल्द कहीं चले जाना है दूर, या अस्पताल की तरफ जाइए, राइट। कॉन्सेंट्रेशन इसका जो होता है बहुत ज्यादा लेस प्लेजेंट, जैसे जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में लेस प्लेजेंट ऑर्डर होते जाता है, मतलब थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन का मीठा होगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा तो फिर और ज्यादा तकलीफ होने लगती है। स्टायरीन जो है ये पॉलीस्टायरीन और बहुत सारे कोपॉलीमर्स का प्रिकर्सर है और ये पूरी दुनिया में बहुत सारे मात्रा में इस्तेमाल होता है। अब पॉलीस्टायरीन अप्रॉक्सीमेटली मानेंगे 25 टन से ज़्यादा मात्रा में ये बनाया जाता है पूरी दुनिया में, और ये 2010 की बात है। अब 2018-19-20 तक 35 मिलियन टन से ज़्यादा मात्रा में बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई यूज़ है। क्यों इसका यूज़ हो रहा है दुनिया भर में? एक ऐसा जो इवेपोरेट होता है, हाईली इन्फ्लामेबल है, जल सकता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। इसके इस्तेमाल होता है प्लास्टिक्स, फाइबर ग्लास, रबर, लेटेक्स, इन सब चीज़ों का बनने में। इससे बहुत सारे और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि रिजिड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, फोम बनते हैं, राइट। स्टायरीन से और क्या बन सकता है? स्टायरीन से टायर बनते हैं और हाउसेस बनते हैं, टैंक्स बनते हैं, कारपेट्स के पैकिंग बनते हैं, कोटिंग्स, पेंट बनते हैं, मेटल क्लीनर्स बनते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं स्टायरीन से, और इसका यूज़ रेजिन बनने में भी इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनने में इस्तेमाल होता है, बोट्स, टब्स, शावर की जो सीट स्टॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। कुछ प्रकार के पेपर प्रोसेसिंग में भी स्टायरीन का इस्तेमाल होता है, डेंटल फिलिंग में भी स्टायरीन का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ऑफिस प्रोडक्ट्स, फोटोकॉपियर के टोनर्स, कंप्यूटर प्रिंटर्स, कार्ट्रेजेस, बहुत सारी चीज़ों में स्टायरीन का इस्तेमाल होता है, और आपके आसपास ऑलरेडी स्टायरीन बहुत ज़्यादा है। सिगरेट के स्मोक में और गाड़ी ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट के अंदर जो बाहर से हवा निकलती है, धुआं निकलता है, उसमें बहुत सारा स्टायरीन होता है। लो लेवल ऑफ स्टायरीन नेचुरली भी मिलेगा आपको, नेचुरली कई फूड प्रोडक्ट्स में मिलेगा, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, नट्स में, मीट में, बेवरेजेस में स्मॉल क्वांटिटी का आपको मिल जाएगा। सिनेमन के अंदर है, कॉफ़ी के अंदर है, पीनट्स के अंदर है, इवन कोल्टार के अंदर है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में देखेंगे तो जो ग्रेटेस्ट एक्सपोजर रिस्क है आपका जनरल पॉपुलेशन का, वो है सिगरेट स्मोकिंग से।
तो जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें 10 गुना ज्यादा टायरीन स्टायरीन का एक्सपोजर होता है, जो दूसरे लोग हैं जिनसे जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज सोर्सेस से कंबाइन करेंगे तो। लेकिन अब जो हुआ है वो एक तरीके से गैस लीक हुआ है, गैस लीक हुआ है, ये एक यानी एक्सपोजर हो गया है बहुत ज्यादा लोगों का। इसमें इसमें क्या इफेक्ट आता है और कैसे प्रॉब्लम आती है ये देखने में मिलेगी, राइट। सो हेल्थ इफेक्ट की अगर बात करेंगे, और ये दो तीन बातें समझिए, एक तो स्टायरीन आपके स्किन को भी प्रॉब्लम कर सकता है, और स्टायरीन इरिटेट करता है आईज को, नोज को, थ्रोट को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और कई बार चमड़ी के ऊपर फर्स्ट डिग्री बर्न्स भी कर सकता है। सो यहां पर जो अगर मान लो आपने इनहेल कर दिया, आपके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो वो आपके नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। आपको हेडेक होगा, आपका फटीग कमजोरी आएगी, डिजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, ड्राउजीनेस और मैलेज, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, फीलिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ये सारे सिम्टम्स होके आप बेहोश भी हो सकते हो। तुरंत ऐसे पेशेंट्स को जल्द से जल्द ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इनको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये ऑक्सीजनेट करने भर से ही इनको फायदा मिल सकता है। अगर ऐसा कोई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाता है, लंबे समय तक एक्सपोजर, अगर आप उसी केमिकल प्लांट में काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता जा रहा है, तो आपको ब्रेन डिजीज, लिवर डैमेज, नर्व टिश्यू डैमेज, किडनी डैमेज, किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम, अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज, सुनने की शक्ति में प्रॉब्लम, कलर विजन में प्रॉब्लम, बच्चे पैदा करने की क्षमता में प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्टायरीन को अगर बात करें तो ये एक तरीके का कैंसर प्रोड्यूसिंग, कैंसर यानी कार्सिनोजेन भी है, रीजनेबली इसको लेबल कर रखा है, रीजनेबली एंटिसिपेटेड टू बी अ कार्सिनोजेन इसके हिसाब से, मतलब ये नॉन कार्सिनोजन हो गया। और इसके अगर स्किन पे कांटेक्ट, अंदर इनहेलेशन किसी भी प्रकार से आपके अंदर चला जाता है, तो अंदर मेटाबोलाइज होके ये आगे चल के आपका कैंसर का रिस्क बढ़ाएगा। अब एग्जैक्टली होता क्या है, लार्जली स्टायरीन मेटाबोलाइज होके स्टायरीन ऑक्साइड बनता है आपके अंदर, ये ऑक्सीडेशन होता है साइटोक्रोम P450 पे। थोड़ा बायोकेमिस्ट्री में जाएंगे, जिनको समझता है वो समझ लेंगे, और बाकी लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं। स्टायरीन ऑक्साइड अपने आप में टॉक्सिक है, म्यूटेजेनिक है, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है। स्टायरीन ऑक्साइड उसके बाद हाइड्रोलाइज होता है स्टायरीन ग्लाइकॉल में आपके शरीर के अंदर, और स्टायरीन जो है एक तरीके से टॉक्सिन है आपके पेट के लिए भी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के लिए भी, किडनी के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और बाकी सारी जगह के लिए, और अपने आप में वहां पर इरिटेशन, बर्न्स, कैंसर जैसी प्रोड्यूसिंग एजेंट्स और टॉक्सिसिटी कर सकता है। सो टायरीन इस तरह से प्रॉब्लम करता है ह्यूमन टाइप्स में। सो जो लोग एक्सपोज हो गए हैं उनको आगे चल के अपने रेगुलर चेकअप भी करने पड़ेंगे, उनके कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, पॉइजनिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं, अंदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के रिस्क एक बार में तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप हर 6 महीने या साल में एक बार, साल में 2 साल में एक बार तो करना ही चाहिए, और बाकी सारे रिस्क फैक्टर को देख के। लेकिन अब सवाल और पैदा होता है, क्या स्टायरीन और ये पॉली, ये बिकॉज ये स्टायरीन बेसिकली पॉली इथिलीन है, और जो हमारे डॉक्टरों के पीपीई यूज हो रहे, प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो बन रहा है पॉलीप्रोपिलीन से। पॉली इथिलीन अलग है, पॉलीप्रोपिलीन अलग है। पॉली इथिलीन यानी कि स्टायरीन न्यूरोटॉक्सिक है, और इसके काफी सारे रिजल्ट्स आपके, इसको जलाने से भी, पॉली इथिलीन को जलाएंगे, टायर जलाएंगे या इनसे बनी हुई कोई भी चीज जलाएंगे तो स्टायरीन निकलेगा, यानी पॉली इथिलीन आपके लिए ज्यादा हार्मफुल है, पॉलीप्रोपिलीन भी हार्मफुल है, वो अलग बीमारी है। लेकिन तो इसीलिए उसको भी, किसी भी तरीके के प्लास्टिक को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के अपने अलग तरीके हैं, जो अलग से एक अलग टॉपिक है। ये हॉस्पिटल वेस्ट हो गए, इतने सारे पीपी बन रहे हैं, उनको कैसे डिस्पोज करना है या कैसे नहीं करना, वो हॉस्पिटल और उन लोगों को बताया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलीस्टायरीन या स्टायरीन की ये क्वालिटीज हैं, जो हो गया है इनफैक्ट, जिसको भी ऐसा लग रहा है उसके लिए तुरंत से तुरंत इलाज है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके जाना, क्योंकि एक बार गैस अंदर चली गई, जला दी, अब कुछ नहीं किया जा सकता उसको शरीर से निकाल देने से। अब हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, ऑक्सीजन देना होता है, ताकि आपका शरीर पे वो हावी ना हो जाए, बिना ऑक्सीजन के शरीर का दिमाग के अंदर डैमेज ना हो जाए, बेहोशी में आपका रेस्पिरेटरी ड्राइव
इवन बहुत सारे इस तरह से नुकसान ना हो जाए। देख सकते हैं आप बहुत सारे चैनल्स में न्यूज़ चल रही है इसकी, बहुत सारे लोग बेहोश हो रहे हैं, रोड पे बेहोश पड़े हैं, छोटी बात नहीं है। इसका नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या बीमारी है, कैसे इसको ठीक करना है। आपको सिर्फ इतना, ये नॉर्मल मास्क जो हमारे ना मास्क हम पहनते हैं N95 या किसी मास्क से, ये नहीं बच, इससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए गैस मास्क चाहिए। सो बेस्ट ऑप्शन होगा उस एरिया को थोड़े देर के लिए आप खाली करें, जब तक वहां पे सेफ्टी लेवल नहीं आ जाता है, वहां के लोग नहीं कह देते कि भाई हाँ, या खिड़की दरवाजे बंद रखे अपने घर को, अगर आप उस 2 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं, और हो सकता है अब तक गैस वहां से निकल भी गई हो। जिन लोगों को नुकसान हो गया उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है कराना। कह रहे हैं 1,000 से 5,000 लोग वहां पे अफेक्ट हुए हैं और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सो दैट्स वाई ये वीडियो हमने अर्जेंट बेसिस पे बनाया हॉस्पिटल से ही। सो मेक श्योर टू शेयर दिस टॉपिक सो दैट इट रीचेज जिन लोगों के लिए बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। स्मोकिंग बंद कर दीजिए।